ओम नमः शिवाय। लहसुन से बहुत ही प्रचंड वशीकरण। ये वशीकरण प्यार को पाने के लिए या अपना मनचाहा कार्य करवाने के लिए या अपने प्यार को अपने पास बुलाने के लिए करें ये प्रचंड वशीकरण विधि। ये वशीकरण करना बहुत ही आसान है। इस वशीकरण को कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है, केवल वे महिला ना करें जिन्हें मासिक धर्म की समस्या हो, और वे तब तक ना करें जब तक वे अच्छे से ठीक नहीं हो जाती। ठीक होने के बाद आप इस वशीकरण को कर सकते हैं। ऐसी वशीकरण विधियां बिल्कुल ही सुनसान स्थान पर, एकांत स्थान पर बैठकर ही करें। सबसे पहले जो हमारे पुराने साधक साध्वी हैं या जो हमारे नए साधक साध्वी हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी ही चमत्कारी वशीकरण विधि पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस प्रचंड वशीकरण को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है और इसे किस दिन करना चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण करना है। इसमें आपको इस तरीके से आपको लहसुन लेना है आप, और एक कील लेनी है और एक मार्कर लेना है। आपको इस वशीकरण को करने के लिए लहसुन, कील और मार्कर की आवश्यकता है। पहले आप स्नान करें, उसके बाद इन सभी सामग्री को किसी एकांत स्थान पर ले जाएं और आसन जमाकर बैठकर इन लहसुन की 3 कलियों को निकाल लें। इस तरीके से आपको लहसुन की सिर्फ 3 कलियां लेनी है, सिर्फ 3 कलियां। इसके बाद आपको इन 3 कलियों को निकाल कर इन 3 कलियों के ऊपर इस तरीके से आपको क्रीम लिखना है। एक एक करके तीनों कलियों पर क्रीम लिखना है। इस तरीके से आप इन 3 कलियों पर एक एक कर इस तरीके से क्रीम लिखें। ध्यान रहे, जब आप इस विधि को कर रहे हों उस समय आपको कोई रोके ना और कोई आपको टोके ना। उसके बाद 3 कलियों पर क्रीम लिखने के बाद इस कील को इन 3 के आर पार कर दें। पहले 1 कली को लें और उसका नाम बोलें जिसके लिए आप ये वशीकरण कर रहे हैं। पहले आपको 1 कली लेनी है इस तरीके से, और आपको कील इसके आर पार करनी है और उसका नाम लेना है जिसके लिए आप इस विधि को कर रहे हैं। फिर आपको 2 कली लेनी है, फिर आपको उसको इस तरीके से गाड़ना है और फिर से उसका नाम लेना है जिसके लिए आप ये विधि कर रहे हो। फिर आपको 3 कली लेनी है और फिर उसका नाम लेना है जिसके लिए आप इस विधि को कर रहे हो। जब आप इन 3 लहसुन को इस कील में गाड़ दें तो अपने हाथ में रख लें। इस तरीके से आपको इसको अपने हाथ में रखना है और इस मंत्र का जाप करें और उसका नाम लें, फिर मंत्र का जाप करें, फिर उसका नाम लें। ऐसे ही 21 बार मंत्र का जाप करें। जब आप 21 बार मंत्र का जाप कर लेते हैं तो कहीं सुनसान स्थान पर जाकर उसे जमीन में खड़ा कर दें या फिर किसी भी बहते पानी में जाकर इसे डाल दें। ये करते ही वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा
बहुत ध्यान से करें ये वशीकरण विधि। ध्यान रहे किसी भी वशीकरण विधि का प्रयोग किसी गलत कार्य में ना करें। गलत कार्य में प्रयोग की गई वशीकरण विधि का बहुत ही गलत परिणाम होता है, इसलिए सभी विधियों का प्रयोग किसी अच्छे कार्य के लिए ही करें। और आप देखेंगे जिस काम के लिए आपने ये विधि की है, इस विधि को करते ही आपका वो कार्य बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। सभी साधक साध्वी जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वी का भला हो सकता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी DM कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।